नमस्कार साथियों, मैं लूणाराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज हम मौजूद हैं बंजारा परिवार के साथ। बंजारा परिवार रोज़गार के लिए अलग अलग जगह बारह महीना वो लगातार रोज़गार के लिए अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से रोज़गार के लिए इधर उधर रहते हैं, क्या होता है उनका दिनचर्या, रहने के तरीके क्या होते हैं, वो आपको हम बताएंगे। बंजारा लोग जानते होंगे और आप गूगल पे जाकर भी उनके बारे में जो जानकारी है वो ले सकते हैं। हम आपको पूरा आज ग्राउंड की रिपोर्ट बताएंगे। ये परिवार है, इनसे पूरा जानते हैं। क्या नाम है आपका? हितेश बंजारा। हितेश जी, हितेश कहाँ के रहने वाले हो? हिम्मत नगर गुजरात के रहने वाले हो। यहाँ कितने महीने से रह रहे हो? लगभग तीन चार साल से कंटिन्यू नहीं, मतलब हर साल आते रहते हैं। कि एक साल में कितने महीने के लिए यहाँ आते हो? सोलह के एक महीने रहते हैं। तीन चार महीने के लिए आते हो। क्या रोजगार यहाँ मिल जाता है? रोजगार निकल जाते कैसी बात है? एक क्या क्या काम मिलते हैं यहाँ पे, रोजगार कैसे मिलते हैं? बराबर। तो मतलब खुले में रहते हैं आप? और आप कहाँ के रहने वाले हो? सुमेरपुर। आप सुमेरपुर के हो, बराबर। यहाँ कितने परिवार रह रहे हैं? परिवार साने परिवार, होता है, तीन पांच इंजन का घर है और तीन परिवार है, बराबर। तो आप पूरे इसमें खुले में रहते हैं? हाँ, खुले में। हाँ, तो एक बार बताएं कौन सा परिवार कहाँ रहता है? टोटल तीन परिवार है तो कैसे कैसे रहते हैं? ये देखिए, ये पहले इनके जो घर हैं, बंजारा परिवार के जो तमाम घर है वो इस तरीके के होते हैं। और ये अपना जीवन यापन करने के साथ में जो रोज़गार के लिए यहाँ आते हैं, तो इस टाइप से ये जैसे आपको बताते हैं, ये यहाँ पे इनका रसोई घर बना हुआ है, जहाँ पे ये रसोई घर है इनका। इसके साथ में ये जितने भी आपको संसाधन दिख रहे होंगे ये पूरे इनके ही है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब आते हैं तो इन्हीं के सारे इनमें पूरा सामान भर के आते हैं, इनसे पूरा बताते हैं। अभी तक सामान भरा हुआ भी है। रहते किसमें ये रसोई है, ये रहने के लिए? ये रहने के लिए। कैसा, एक बार बताइए। इसमें कितने, ये देखिए, एक प्लास्टिक ऊपर डाला हुआ है थोड़ा नज़दीक से, कि ये देखिए प्लास्टिक ऊपर है और इसके अंदर ही रात को सोते हैं। आपको ध्यान में है, कभी गर्मी, तेज़ गर्मी, जब पारा बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, तो कभी तेज़ सर्दी जिसमें पारा बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो परिवार है बंजारा परिवार, वो ऐसी परिस्थितियों में ही रहते हैं। तो इनसे समझते हैं इसमें कितने लोग सो जाते हैं? पाँच। इसमें चार पांच लोग सो जाते हैं, बराबर। दो इंसान ही सो सकते हैं एक खटले में, दो इंसान ही सोते हैं, एक चारपाई पे दो लोग सोते हैं, दो लोग सोते हैं। ठंडी के बारे में, ठंडी बारह है। हाँ, तो नहीं तो अगर जैसे गर्मी हो तब ये नहीं खुले में सोते हैं, तो खुले में सोते हैं। ये तो सर्दी है इसलिए, तो फिर तेज सर्दी होती है तो इसके अंदर आती नहीं ज्यादा, आपको लगती नहीं सर्दी? कैसे? इसलिए तो थोड़ा खुले में होता है। हाँ, इसलिए जो ज्यादा ठंड हो तो ये नीचे बांध देते हैं, तो उसके वजह से पूरा बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। ये देखो कितनी शानदार, अपन ऐसे सीधे तौर पर कहें कि कला भी है इनकी जीवन यापन की, कि एक प्लास्टिक को एक रूम बनाते हैं और इस सारे अपना जो जीवन यापन है वो कर लेते हैं, रात को सोना इसी में होता है। और ये देखिए यहाँ तीन परिवार रहते हैं, और तीन परिवार किस तरीके से रहते हैं एक बार आपको पूरा देखिए। ये छोटी सी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं है, और एक उस तरफ भी है रसोई बना रखी है उन्होंने, और ये पानी के लिए इस तरह के हैं। देखिए ये सबके साथ में पानी के लिए नहीं, अलग अलग नहीं, ये मतलब सबका पानी यही है? नहीं, ये जो ये घर वाले हैं इन लोगों का है, हमारा घर वहाँ है तो वो हम लोगों का है, और वो लोगों का है तो वो इन लोगों का। ये किनका है? पूरा इन लोगों का, ये पूरा इनका है, आपका पूरा पानी और वो उनका है। तो ये ऊपर क्यों रखते हैं? ऊपर ये रखने का कारण ऊपर हाँ, कोई जीव जंतु कोई पानी नहीं मिले, खराब पानी नहीं हो जाए, ढक दिया हुआ है, बराबर। ये देखिए, और ये दूसरे परिवार की रसोई है, दूसरे रसोई। ये देखिए इस टाइप से पूरी रसोई है, और इतनी छोटी सी रसोई में ऊपर प्लास्टिक है। ये देखो कोई ज़्यादा कवर किया हुआ नहीं है, एक प्लास्टिक ही है ऊपर, और लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनसे लकड़ी से इनको बना रखा है, और अंदर कोई देसी अंदाज में। और ये देखिए, ये तीसरी रसोई है, इन्होंने खुले में ही बना रखी है। और ये देखिए,
तो इनकी खुली में रसोई है और ये संसाधन है इनके, ट्रैक्टर सब है क्योंकि इनको काम काज इस तरीके का ही है और इसी के जरिए कहीं ट्रैक्टर से मजदूरी मिल जाती है, कहीं दूसरे जो संसाधन है ट्रैक्टर टाइप के उनसे मजदूरी मिल जाती है, तो इसी से ये अपना जो जीवन यापन है वो करते हैं। 12 महीने में कितने महीने कहाँ पे रहते हो, कितने महीने कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या रहता है पूरा एक 12 महीने कहाँ कहाँ रह के निकालते हैं? 12 महीने 3 महीने तो हम धानता गांव में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाद में 2 महीने रहते हैं डिशा के पास जनरल गांव में, वहाँ पे क्या काम मिलता है? इधर खातर, खाद खेत में निकलते हैं, खाद मिल जाता है, खाद मिलता है वो, और खाद डालने के बाद वो सीजन पूरी हो जाती है वापस यहाँ आ जाते हैं, वापस 3-4 महीने यहाँ निकलते हैं, तो वापस गर्मियों के सीजन में आती है ना आलू का, आलू का वहाँ पे सीजन आता है तो वहाँ चले जाते हैं जो गुजरात में ज्यादा होता है, और उसके बाद बारिश आती है तो ये महीने हम फूल टाइट कर बांधते हैं जो बारिश में, हाँ बारिश फिर खिल्ला डालते हैं, खिल्ला डालने के बाद हमें 2500-2000 की डाल पत्री आई वो डाल के बांध देते हैं, बारिश में अंदर नहीं आएगी, मतलब ये जो इनका जो देसी तरीका है रहने का जहाँ पे ये पूरा रहने के लिए बनाते हैं वो बारिश में भी काम का है, गर्मी में भी उसका उपयोग करते हैं, और अगर सर्दी हो तेज सर्दी तो उसमें भी उपयोग करते हैं, और इसी तरीके से देखो एक बार पूरा आपको दिखाते हैं, ये 3 परिवार के रहने की जगह है और इस टाइप से पूरा का पूरा जो इनकी लोकेशन है वो आपको दिखाते हैं, इस टाइप से यही है इनके छोटे घर, और इसमें भी ये खुश है, देखिए बड़ी बड़ी मंजिलों में रहने वाले लोग खुश हैं या नहीं, लेकिन ये लोग ये इनका बंगले कहो या बड़े मकान कहो या जो चीज़ रहने की है वो ये इनके लिए, ये इनके घर हैं और यहाँ ये बड़ी खुशी से रहते हैं। क्या आप पूरे साल भर घूमते रहते हैं तो घूमते क्यों, अगर एक जगह आप जाए मान लो जैसे आप हिम्मतनगर गुजरात से, तो वहाँ क्या रोजगार नहीं मिल जाता? रोजगार नहीं मिलता है क्या कि वहाँ पे हमारे जैसे ट्रैक्टर है ना, तो वैसे भी वहाँ भी बहुत ट्रैक्टर है, एक बात तो रोजगार मिलता नहीं है सरकार के अंदर, क्या है अभी तुम्हारे ये इधर से तुम्हारा खेतन नहीं है और मैं मिट्टी भरी और कोई गाड़ी आई तो लोडर ट्रैक्टर पकड़ेगा, जैसे कि मिट्टी कोई तालाब में से भरे तो चेकिंग की गाड़ी आती है तो उसमें ट्रैक्टर अंदर डाल देते हैं, तो तुम्हारा खेतर है हम तुम नहीं, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ रोजगार इतना 12 महीने मिले नहीं मिलता, नहीं मिले नहीं, तो आप 12 महीना इधर उधर जाके घूमते रहते हैं 12 महीना पूरा, एक महीने का बच्चों का एजुकेशन कैसे होता है, एक मेन है वो पढ़ाई बढ़ाई हमारे पास नहीं होती है, पढ़ाई अभी कोई पूछता है कि पढ़ाई करवाओ, हमारा ठेका है 1 महीना इधर 2 महीना इधर, फिर तुम सब के स्कूल में लड़के कैसे नहीं पहुँचे, अब मजूरी पहुँचे कि लड़के पसंद खर्चा, तो आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं अनपढ़ पूरे पूरे बच्चे किसी के नहीं पढ़ते, मजूरी रोजगार के लिए आप 12 महीने घूमते हैं इसलिए फिर बच्चे पढ़ना संभव नहीं है, बच्चा मोटा करना पाल पोषण करना बराबर, तो आप जहाँ जैसे 2-3 महीने रह के वहाँ भी भेजते हैं स्कूल, वहाँ तो फिर कैसे 2-2 महीने तो कैसे वो छठी ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ काम चालू हो जाता है तो बाद में लड़का सब कुछ सब घर पे तो कोई रहता भी नहीं है, कोई खाद भरने चला जाता है, कोई खाद डालने, बच्चे भी काम करते हैं छोटे छोटे है, मान लो ये छोटे नहीं तो आपके पीछे कोई और परिवार के सदस्य नहीं होते वहाँ पे जहाँ प्रॉपर रहने वाले हो, वहाँ बच्चे पढ़े वहाँ नहीं हो सकता कि बच्चे रह के पढ़ सके, हो सकता है लेकिन अब सब बड़े हैं, कोई छोटे है अमुक भी छोटे है, तो मतलब कि इन लोगों को तो आप घर पे रख नहीं सकते, नहीं तो जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे जो अभी आप अभी जन्म हो रहा है मान लो या 2-2, 3-3 साल 5-5 साल के हो गए वो तो पढ़ने भेज सकते हैं या नहीं, एक मिनट उसको नहाने चाहिए कपड़ा पहलाने वाला चाहिए, अब छोटे छोटे बच्चे उसकी माँ नहीं होगी तो पहलाएगा कौन, तुम जैसे सब धंधा जैसे मान लो उनके नानी मिल जाए दादी मिल जाए और कोई परिवार कोई नहीं रखता, सब लोग भाई भाई का नहीं हो सकते, बस अपने खुद की कामनाई करो खुद का विचारो, इसलिए जो बच्चे होते हैं वो आप साथ लेके ही चलते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, कितनी पीढ़ी से आप कितने पढ़े हुए हैं? मैं 10। आप फिर कैसे पढ़े 10वीं तक? मैं 10 ऐसे पढ़ा कि जो ये ट्रैक्टर है ना मेरे, ये मैंने अभी 2-2.5 साल में ही लिया है, पहले मेरे पास ट्रैक्टर नहीं थे, तब हम पूरी फैमिली घर पे रहते थे पूरी, हाँ हिम्मतनगर पूरी फैमिली घर पे रहते थे, तब मेरी पढ़ाई अच्छी भी चल रही थी लेकिन थोड़ा घर में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए पढ़ाई छोड़कर मैंने ये जो कोई खेत में बाउंड्री है वो कोई काम का जो उसके लिए निकल गए 2-2.5 साल वो काम किया, तो भी क्या है कि घर का गुजारा नहीं हो सकता 300-400 रुपए में, पूरे दिन का पूरा दिन काम पर जाए, घर वाले ऐसे प्रॉब्लम में आ रहे थे, मैं तो फिर भी कुछ एडजस्टमेंट करके जैसे तैसे करके भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो फिर आप प्रयास क्यों नहीं करते कि बच्चों को पढ़ाया जाए, कुछ भी उपाय किया जाए कोई परिवार के सदस्य वो पढ़ा ले या एक जगह रह के कैसे, वो भी बात है कि चलो हम मान लेते हैं कि इन लोगों को पढ़ाए आप घर पे जाकर, तो अब घर पे जाएगी
तो भी अब ट्रैक्टर का धंधा तो करना भी पड़ेगा। ट्रैक्टर का धंधा नहीं करेगा तो महीने के महीने किस्त आती है। ये सब ट्रैक्टर संसाधन आप लोन पे लेते हैं? लोन पे। तो वहीं जाके रहने वाले वहाँ से ले आओ। ये देखो ये बच्चा है, कितने साल का है? ये 14 साल का है। 14 साल का है, छोटा दिख रहा है। ये ट्रैक्टर चला पड़ा हुआ है, कभी स्कूल गया? स्कूल नहीं गया। ये बच्चा स्कूल नहीं है, ट्रैक्टर चलाता है। 14 साल का बच्चा है, अभी से इनको ट्रैक्टर चलाना सिखा लिया। स्कूल जा नहीं पाया, स्कूल क्यों नहीं गया? कभी नहीं कोई प्रॉब्लम है स्कूल में? कोई बराबर। और भी छोटे बच्चे हैं काफ़ी बंजारा परिवार के साथ, इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी रहते हैं, उनसे भी एक बार आपको मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी। स्कूल गए बेटा कभी? कितनी पढ़े हुए? छठी तक पढ़े। तो तब वहाँ परिवार वहाँ रहता था, अभी फिर छठे के बाद नहीं पढ़ पा रहे? वापस जाएंगे जब। वापस जाएंगे तो अभी आपकी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। बराबर। ये भी जाते हैं स्कूल दोनों छोटे छोटे? एक बार भी नहीं गए। क्या नाम है इसका? नवसार। कितने साल का है? 5 साल। 5 साल। और ये बच्ची है? हाँ। ये कितने साल की है? 4 साल की। 4 साल की है और स्कूल नहीं जा रही है? नहीं जा रही। और भी बच्चे होंगे? कोई स्कूल नहीं जाता? नहीं है। बराबर। हाल फिलहाल कभी स्कूल याद आती है? स्कूल याद आती है, स्कूल जाए पढ़े कुछ बने, लेकिन मजबूरी के कारण नहीं जा पाते। तो पापा को आपके जो पापा है उनको कहते हैं कि मैं स्कूल जाऊँ? इसके माँ बाप नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, इसका खाता नहीं खुलता है स्कूल का, जो बैंक का खाता है वो नहीं खुलता। आपके काका काकी पास नहीं? क्या हुआ? मर गए। मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ था या क्या हुआ था? पापा दारू पीते थे, दारू के हिसाब से चल बसे। तो अभी आप ये इनके अंकल के आपके पास रहती है, तो आप इसे स्कूल भेजते हैं? स्कूल भेजे गुजरात में भेजे, कोई नाम लेता नहीं है क्योंकि वो स्कूल के सट्टी है। लेकिन आप तो यहाँ ज्यादा महीने भी नहीं रुकोगे तो फिर कैसे जाएगी? इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं। परिवार की बहुत सारी मजबूरियाँ भी है, लेकिन एजुकेशन और शिक्षा है वो भी बहुत जरूरी है। आज हमने आपको दिखाया कि बंजारा परिवार किस तरीके से एक साथ रहते हैं और रोजगार के लिए वो 12 महीने पूरे अलग अलग जगहों में अलग अलग राज्यों में घूमते रहते हैं। आज हम धांता पहुँचे जो सांचौर के पास में है, और यहाँ पर 3 बंजारा जो परिवार है वो रहते हैं और रोजगार के लिए ये भी कभी गुजरात कभी कहाँ घूमते रहते हैं। तो किस तरीके से रहते हैं वो हमने आज आपको पूरा दिखाया। मैं आपका साथी लूणाराम जालोर।